नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राव और इस वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो अपडेट लॉ के क्षेत्र में आई है और वो अपडेट ये है कि माननीय गृह मंत्री ने जो आज पार्लियामेंट में जो बिल पेश किया है कि अब आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस नई लागू, यानी पुरानी आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस अब लागू नहीं रहे, इससे पूरे विधि के क्षेत्र में खलबली मची। चाहे वो स्टूडेंट हो प्रिपरेशन करने वाला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट हो, और चाहे वो जज हो, चाहे वो लेक्चरर हो, सब लोगों के मन में एक कंफ्यूजन बना हुआ है कि अब तक जो हमने लॉ के क्षेत्र में, माने इन विषयों में जो अध्ययन किया, जो ज्ञान अर्जित किया, क्या अब वो सारा निरर्थक हो जाएगा? तो इसका जवाब है जी नहीं, ये बिल्कुल बेकार नहीं जाना। इसमें एक बदलाव किया गया है और ये एक पॉजिटिव बदलाव। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये सारी लॉ अंग्रेजों के जमाने की बनी थी, यानी शासन करने वाले और शासित होने वाले लोगों में अंतर था, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हुआ। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। भारत एक स्वतंत्र देश है और यहाँ लोकतंत्र, और लोकतंत्र में कोई शासन नहीं करता, लोकतंत्र में जनता ही शासन करती। तो इसलिए अब वो विधि जो 150 साल पहले की बनी हुई थी, आज के समय में सार्थक कैसे हो सकती है? इसलिए जरूरी था कि इसमें कुछ मूलभूत परिवर्तन किए जाए। माननीय प्रधानमंत्री और सरकार ने ये कदम उठाया और इस कदम की हमको सराहना करनी चाहिए। हम उन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे जिन बिंदुओं को लेकर हमारे मन में दुविधा है कि क्या आखिर परिवर्तन हो रहा है, हमारी तैयारी पर इसका क्या असर। देखिए, जिन लोगों ने भी इस फील्ड में स्टडी किया है, मेहनत किया है, लॉ को समझा है, लॉ को जाना, उनकी ये जानकारी निरर्थक नहीं होगी। क्योंकि ये जो बदलाव हुए हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से चेंज हो गया है। उसके एक्ट, उसके बेयर एक्ट जो है, जो बिल पेश हुआ है, वो आप तक भी पहुंच ही गए होंगे और आप उसमें देखेंगे तो जो जरूरी चीजें थी उसमें ही परिवर्तन हुआ है। केवल धाराओं की संख्या में परिवर्तन हुआ है और कुछ हद तक प्रोविजन में भी परिवर्तन। जैसे अगर हम सीआरपीसी के कुछ प्रोविजन को उठाएं तो आप भी इस चीज को महसूस करेंगे कि इस चीज में परिवर्तन होने की जरूरत थी। जैसे राइट बिना वारंट के अरेस्ट करने से संबंधित प्रोविजन आप सीआरपीसी 51 में पढ़ते थे, क्या अब ये नहीं रहेगा? अब भी ये रहेगा, लेकिन जो सेक्शन 41 में आप पढ़ते थे वो सेक्शन 35 में आप पढ़ते। एक चीज आप जानते थे कि जैसे कि सीआरपीसी का एग्जांपल ले रहे हैं तो सीआरपीसी के ही कुछ प्रावधानों की चर्चा करते हैं। जैसे सीआरपीसी में आपने देखा होगा कि अगर इन्वेस्टिगेशन FIR दर्ज होने के बाद जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है और वो इन्वेस्टिगेशन 60 या 90 दिनों के भीतर कंप्लीट नहीं होता तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उसे बेल पर छूटने का राइट हो जाता है। ये बात हम सब जानते हैं। क्या अब ऐसा नहीं होगा? अब भी वैसा है, लेकिन पहले ये आप जानते थे कि इन्वेस्टिगेशन करने की कोई समय सीमा फिक्स नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला 3 साल में भी करता, लेकिन अब इस नई सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेशन करने की समय सीमा 90 दिन फिक्स कर दे। और अगर इन 90 डेज के भीतर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर नहीं कर पाता तो उसके लिए उसे मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी और मजिस्ट्रेट भी परमिशन केवल 90 डेज तक ही दे सकता है, यानी इन्वेस्टिगेशन किसी भी दशा में 180 डेज के भीतर कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि विधि के क्षेत्र में जुड़े और जो विधि के क्षेत्र से नहीं भी जुड़े हैं इस बात की प्रशंसा जरूर करेंगे कि ये सही कदम। इतना ही नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन जिस दिन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद चार्ज फ्रेम करने में 60 डेज से ज्यादा का समय कोर्ट भी नहीं दे सकती, तो ये कोर्ट के ऊपर भी लाइबिलिटी आ गई। चार्जशीट जिस दिन पेश होती है और चार्ज जिस दिन फ्रेम होता है उसके 30 दिनों के भीतर जजमेंट आ जाना चाहिए और जजमेंट आने के 7 दिनों के भीतर वो ऑनलाइन अपडेट हो जाना चाहिए जजमेंट। क्या इस कदम की प्रशंसा हम और आप मिलकर नहीं करेंगे? सब करेंगे। और इसमें कहीं कोई गलती है? नहीं। देखिए, कॉन्सेप्ट में कहीं कोई बदलाव नहीं। जैसे एक चीज आप सुनते आ रहे होंगे कि जैसे पुलिस को अगर किसी को फंसाना होता तो पुलिस उसके पास कुछ चीजें रख देती थी और कहती थी कि इसके पोजीशन से मिला हुआ है और इस तरीके से आदमी को फंसा देती, लेकिन ऐसा नहीं। अब ऐसी व्यवस्था
से आरपीसी के अंतर्गत कर दी गई है कि जब भी इस प्रकार के मामलों में जैसे जब कोई जब्ती होती है या कहीं अटैचमेंट वगैरह होगा तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, तो ये भी अच्छा है। इतना ही नहीं, जैसे जीरो एफआईआर के संबंध में जो प्रोविजन सीआरपीसी में एक्सप्रेसली नहीं थी, अब जीरो एफआईआर से संबंधित प्रोविजन भी सीआरपीसी में डाल दिए हैं। ऐसे ही बहुत से सकारात्मक प्रोविजन जो है वो इसमें कर दिए गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि सीआरपीसी में अब तक 484 सेक्शन हुआ करते थे, अब सीआरपीसी में सेक्शन जो होंगे वो 533 होंगे। उसका कारण यही है कि सीआरपीसी बहुत लेंदी रहा है और एक एक सेक्शन में बहुत से क्लास हुआ करते हैं, तो जो जरूरी क्लास होंगे उनके लिए जरूरी सेक्शन बना दिया गया है। और इतना ही नहीं बल्कि जैसे 50A है, 53A है, 164A है, तो वो ए वाले चीजें हटा के उन्हें एक पार्टिकुलर अपना सेक्शन बना दिया गया है। इसी वजह से सीआरपीसी के सेक्शन बढ़ गए। चलिए आईपीसी के बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। आईपीसी में क्या बदलाव हुआ? देखिए जितनी बातें मैं कर रहा हूँ सिर्फ उतना ही बदलाव नहीं, मैं सिर्फ आपको उसका इंट्रो बता रहा हूँ कि जो बदलाव हुए हैं वो किस प्रकार के बदलाव। जैसे आईपीसी में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चैप्टर जनरल एक्सप्लेनेशन का है, जो अल्लाह के फील्ड में होंगे उस बात को जानते हैं, और डिफिनीशन क्लास हर एक्ट में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर आप देखते हैं इतना बड़ा है, 53 तक जाता है, 52A तक जाता है, उनको सेक्शन 2 में एक डिफिनीशन का सेक्शन बना दिया गया और सारी चीजों को एक सेक्शन में डाल दिया और सब चीजों के डिफिनीशन है। 39 डेफिनेशन सेक्शन 2 में आईपीसी के हैं, तो इस वजह से बहुत सारी चीजों को कम कर दिया गया है आईपीसी में। इसी वजह से जो 511 सेक्शन हुआ करते थे अब 356 सेक्शन, तो काफी हद तक आईपीसी के सेक्शन कम हो गए। तो अननेसेसरी जो एक बात को कई सेक्शन में गिनाए गए थे उनको कम कर दिया गया, एक ही सेक्शन में डाल दिया गया, इसी वजह से ये सारी चीजें हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि अब कोई इंसैनिटी जो जनरल डिफेंस में आता था अब वो इंसैनिटी ऑफेंस हो जाए, ऐसा नहीं है। तब भी जो बात थी अभी भी वही बात है। बस आप समझिए, इस बस एक लाइन में इस चीज को समझिए कि क्या अंतर आया। पहले शासन करने के उद्देश्य से या दंड देने के उद्देश्य से विधि बनाई गई, आज जो विधि का परिवर्तन हुआ है और विधि का उद्देश्य जो है वो न्याय करने के उद्देश्य बनाई गई, यानी पीड़ित के साथ जस्टिस होना चाहिए, न्याय जल्दी मिलना चाहिए। कोई भी पावरफुल अथॉरिटी जो है अपने पद और पावर का मिसयूज न कर पाए, ये बदलाव हुआ है। जो पढ़े हैं, जो प्रिपरेशन में ला के फील्ड में लाइन में आगे खड़े थे, आज भी वो लाइन में आगे ही खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब वो लाइन में पीछे हो जाएंगे, या यूं कि जो प्रिपरेशन नहीं किए थे और जो प्रिपरेशन किए थे वो दोनों एक जगह पर नहीं आ गए। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस और फोन कॉल मेरे पास आ रहे थे कि अब क्या होगा सर, तो मुझे लगा कि मैं कितनों को ऐसे जवाब दूंगा, तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो बना दी है। बाकी हम लोग इस आईपीसी सीआरपीसी के प्रोविजन पर एक बड़ी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे कि आखिर ये चेंज या बदलाव किस प्रकार के हैं। और एक बात और मैं कहूंगा कि ये बिल पेश हुआ, ये ला नहीं बनी। बिल पेश होने और ला बनने तक की जो प्रोसीजर है इससे आप अनभिज्ञ नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि बिल जो हो पेश हो वो ला भी बन जाए, और बिल पेश हो भी गई है और सपोज दैट वो ला बन भी जाती है जिसकी उम्मीद ज्यादा है, लेकिन उसमें समय लगता है। इतनी जल्दी सब कुछ नहीं है कि अचानक से सिलेबस आपका बदल जाएगा और सब कुछ बदला हुआ बनना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल आप वही चीज पढ़िए जो अभी आपके पास है, जब वो होगा तो ही उसके बारे में सोचना है। अभी से कोई फालतू की चीज दिमाग में न तो घुमानी है न तो उस पर दिमाग पर किसी प्रकार का प्रेशर डालना है। आप सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपके हमेशा साथ हैं। और जुड़े रहिए मेरे साथ, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को अगर सार्थक लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट होते रहें और लास्ट से संबंधित और बहुत सारी चीज़ों से संबंधित जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहा। थैंक यू।